क्वेश्चन तो है ना, ठीक है। आज मैं फिर आई हूँ तुम लोगों के सामने दूसरा पाठ के साथ। तुम लोगों के हिंदी कक्षा में दूसरा पाठ है संध्या। संध्या में देख ले क्या क्या है बोल के, ठीक है। संध्या में तुम लोगों को कुछ करने के लिए काम दिए, क्या काम था वो, हाँ वहां दिए थे तुम लोगों को पेज नंबर 45 है ना, व्याकरण किताब में क्या है पेज नंबर 45 में दिया गया है, क्या है अपने पांच मित्रों के नाम लिखने के लिए। तुम लोगों ने लिख चुके हैं अपने मन पसंद पांच सब्जियों के नाम लिखने के लिए। सब्जियां बोले तो वेजिटेबल्स वो भी हुआ है, तीन स्थानों के नाम लिखिए हाँ वो भी हुआ, और मनपसंद खिलौने के नाम हो गया, आपके घर में कौन कौन रहता है इन लोगों का नाम, दादा 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 दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी इस तरह का, हाँ वो भी हो गया। प्रकृति में कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है, है? तो प्रकृति में आने वाले शस्त्रों का नाम पेड़ पौधे झरना जिला आकाश, हाँ ये सब क्या है नदी है, ये क्या प्रकृति में आने वाले चीजों का नाम। दो ऐसे मन के भाव चुनकर लिखिए जो आपके मन में बार बार आता है, कुछ मिठास खाने का, गुस्सा करने का है ना, खुशी खुशी का भाव, ये सब क्या है भाव का नाम है, खुशी गुस्सा मिठास ये सब क्या है भाव का नाम है, लिख सकते हैं। बच्चों आपने जो लिखे हैं ये सभी नाम है, है ना, जो कुछ अभी हम लोगों का ये क्वेश्चन जो था वो सभी का आंसर तुम लोगों ने किया है ना, वो सभी क्या है नाम नाउन है ना। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे संज्ञा। अभी हम लोग इसे लिखने के लिए क्यों दिए थे तुम लोगों को, तुम लोग जो भी लिखे है ना सभी नाम वस्तुओं के नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है या भाव का नाम हो सकता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे संज्ञा कहेंगे, हैं समझ में आ रहा है ना। हम लोगों का फ्रेंड का नाम रश्मि रोशन जो भी हो सकता है वो नाम जो है ना उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। तुम लोगों के हाथ में है एक फल आम सेब, वो क्या है वो भी संज्ञा है। अपने घर में क्या है नानी है नाना है, उसे बुलाते किसे तुम लोग नाना नानी बोल के मामा मामी बोल के, वो भी क्या है संज्ञा है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए उसमें भी भेद है कैसे इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार, कौन कौन सा, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। सो ये व्यक्तिवाचक बोले क्या है, जातिवाचक बोले तो क्या है, भाववाचक बोले तो क्या है ना। लेकिन लिखने लिखने के लिए सभी क्या है नाम ही हिस्सा ही है, सभी क्या है नाम ही है ना। तो ऐसे इसमें डिफरेंस किस आया, किस तरह हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, किस आधार पे, चले देख लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा हमें विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताती है। तो तुम लोगों का हिंदी टीचर कौन है, लक्ष्मी मैया है ना, क्या एक विशेष व्यक्ति है, बहुत सारे टीचर्स है तुम लोगों का लेकिन हिंदी सिखाने वाली कौन है लक्ष्मी मैया। तो क्या एक विशेष नाम जो भी नाम है टीचर में आज कौन पढ़ाते हैं वो टीचर, कन्नड़ कौन पढ़ाते हैं वो टीचर, वो नाम जो है ना उन लोगों का जो नाम विशेष नाम जो है वही संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस व्यक्ति का ही नाम जो है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वहां दिया गया है किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ तो क्या है स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए गए व्यक्तियों का नाम दिया गया है, आजाद में जो भी भाग लिए थे उन लोगों का नाम दिया गया है, केवल वही लोगों का नाम नहीं किसी का भी नाम हो सकता है, हैं किसी का भी नाम तुम लोग बोल सकते हो, क्या है व्यक्तिवाचक होता है। जहाँ यहाँ तो उदाहरण दिया गया है लक्ष्मी भाई, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राधा, किसी विशेष वस्तुओं के नाम भी हो सकता है। मैं वहां गया था, कहाँ गया था, मैंने आगरा गया था, समझ में आ रहा है ना। आगरा एक प्लेस का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, आगरा में क्या देखा ताजमहल देखा, हाँ ऐसा क्या है वो ताजमहल जो नाम है वो भी क्या है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। और कहाँ गए थे, आगरा गए थे, आगरा क्या है एक प्लेस का नाम, स्थान का नाम है ना, वो भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की आएगा। जो किसी का नाम भी हो सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, ग्रुप हम लोग बोलेंगे,
जाति के एक शब्द से हम लोगों को कि कोई एक शब्द से पूरे जाति के बारे में हम लोगों को मालूम हो जाएगा। क्या है, लड़के बहुत नटखट होते हैं, है ना, मालूम है ना, लड़के बोले तो बॉयज है ना, नटखट है ना, बहुत नॉटी होते हैं, है ना। तो ये किसी एक के बारे में बोला गया वहां नहीं, पूरा ग्रुप के बारे में, पूरा समूह के बारे में बोले जा रहे हैं, है ना। इसलिए किसी एक के एक शब्द से हम लोगों को पूरा समूह या ग्रुप के बारे में मालूम हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु नहीं, बदले में पूरे जाति या समूह या ग्रुप के बारे में अगर कहा गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा में देख लो, ये संज्ञा शब्द हमें किसी समूह या जाति के बारे में बताते हैं, जैसे पेड़, पौधे, नदी, पर्वत, देश, ऋतु, कक्षा, सेना, गुच्छा, मेज, कुर्सी आदि। कुर्सियां बहुत है, क्या कुर्सियों के बारे में बोला जा रहा है, हाँ वहां कितना पेड़ है, किसी एक पेड़ के बारे में नहीं, बहुत सारे पेड़ है, सभी आगे उसके अंतर्गत है ना। इसलिए एक पूरा ग्रुप किसी एक के बारे में अगर हम बोलते हैं तो वो क्या है, पूरा उसके समूह उसकी जाति के बारे में मालूम हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वन देख लो, उसी तरह भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाववाचक संज्ञा में जो भी शब्द होता है वो शब्द लोगों को किसी भाव के बारे में समझाता है, किसी भी भाव हो सकता है, हाँ वो सुखी है या दुखी है या कष्ट है खुश है, इस तरह का भाव हम लोगों को जिस शब्द से पता चलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक शब्द कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द मन के भावों के बारे में बताते हैं, इन भावों को हम ना तो छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, जैसे मिठास, प्रेम, खुशी, हंसी, गुस्सा, करुणा, ईमानदारी, कंजूसी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, भाववाचक है। ये क्या है, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। हम लोगों का मन में उत्पन्न होने वाले स्वभावगत क्या है, वो भाव है ना, फील है, इसलिए हम लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जो भी हम लोग फील करते हैं ना उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। देख लो, रेखा खींच कर मिलाई में वहां दिया गया है, आप बस हम लोग चल भी करें, ठीक है। नेक्स्ट वन है लिंग। नेक्स्ट क्या है, लिंग है, लिंग में क्या है, लिंग बोले तो क्या है, देख लो जेंडर है ना, बोले तो जेंडर, हाँ लिंग में कितने भेद हैं पता है, लिंग बोले तो क्या है, कितने भेद हैं लिंग में, कलम ने बोले तो तीन है, हिंदी में बोले तो दो ही, कौन कौन सा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कन्नड़ बोले तो और भी एक है नपुंसक लिंग, हिंदी में नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं लड़का हूँ, लड़का हूँ मैं, हूँ मैं लड़का, मैं तो लड़की हूँ, औरत हूँ, है ना, कैसे पता चलेगा, औरत स्त्रीलिंग है ना, लड़का पुल्लिंग है, इस तरह का समझने का जो तरीका है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग, ठीक है। आइए और शब्द बने, हाँ देखो उसे बात में पाओ, हमारे आस पास प्राणियों वस्तुओं जगहों के नाम या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कितने भी चीजें जो है आप पास में देख सकते हैं, कितने ही लोग रहते हैं, कितने ही प्राणियां रहते हैं, कितने हैं वस्तुएं हैं, उसे हम लोग क्या किए हैं, उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में डिवाइड कर डाले हैं। तो जो जीव है उसको हम लोग देखने से पता चलता है वो कौन सा लिंग है, औरत है, आदमी है, लड़का है, लड़की है ना। उसी तरह कुछ प्राणियों में भी हम देख कर पता लगा सकते हैं, कुत्ता है या कुतिया है, मोर है या मोरनी है, चिड़िया या चिड़िया है ना, इसी तरह। लेकिन ये निर्जीव वस्तु जो है, चीजें जो है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, देख ले यहाँ उसके लिए रूल्स भी बनाए कुछ क्या है, सूत्र भी है। आपकी बस्ती में रखी कॉफियां, किताबें, पुस्तकें, पेंसिल, स्त्रीलिंग, पैसे, पेन, डिब्बा, गाना, पुल्लिंग, कैसे पहचानेंगे कोई वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वाक्य बनाएंगे, मेरी किताबें, मेरी पेंसिलें, मेरा बस्ता, मेरा पेन, उनका डिब्बा, डंडा, काना, किताब रखी है, तौलिया रखा है,
बस चल पड़ी, कपड़ा पर्श सूख गया। देख लो जो संदेश बार है, मेरी किताब, मेरी किताब, तो ये ही जो है, जो इसके बाद जो भी शब्द आता है वो स्त्रीलिंग है। अभी तुम लोगों का पहचानने का तरीका मैं बोल रही हूँ, ये तो सही नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अभी इतना समझे तो बस ठीक है। क्या है? मेरी किताब। ये क्या है? ही स्वर है ना, ही स्वर। इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। मेरा पेन, देख लो दूसरा क्या है, मेरा पेन। सो ये क्या है? यहाँ आ स्वर है ना, सो आ के बाद जो भी शब्द आएगा वो क्या है, पुल्लिंग होगा। इस तरह ये से अंत होने वाले शब्द के बाद जो भी आएगा वो स्त्रीलिंग, आ से अंत होने वाले शब्द के बाद जो भी शब्द आएगा वो पुल्लिंग। देख लो हाँ, क्रिया शब्द देखिए फिर बात पेशन की, किताब या तौलिया बस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, हम लोग समझ सकते हैं। और हाँ, सेंटेंस पढ़कर, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हम लोगों को समझ में आएगा वो कौन सा लिंग है, यहाँ तो स्पेलिंग क्या है, वहां के पढ़कर ही तुम लोग उसे समझ सकते हैं। सेंटेंस पढ़ के पूरा करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद ही तुम लोग वो कौन सा लिंग है पहचान सकते हैं। अगर पढ़ी आए तो वो क्या है, पुल्लिंग। पढ़ा आए तो क्या है, पढ़ी आए तो स्त्रीलिंग, पढ़ा आए तो पुल्लिंग। इसी तरह हाँ, गया आए तो पुल्लिंग और गई आए तो स्त्रीलिंग। इस तरह कुछ नाम नित्य पुल्लिंग है, कुछ शब्दों में सोचने की जरूरत ही नहीं, वो क्या है, पुल्लिंग रूप ही रहे। जैसे कि मच्छर, भेड़िया, चीता, ये सब क्या है, हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, हमेशा। जहां भी लिखो, कितना कौन से सेंटेंस में भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, हमेशा पुल्लिंग ही बना रहेगा। इसी प्रकार कुछ नामों के पुल्लिंग नहीं होते, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसका दूसरा रूप नहीं होता, यानी पुल्लिंग रूप नहीं होता, ऐसा शब्द को हम लोग नित्य स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि वहां दिया गया है, देखो सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है। तितली, मछली, मधु है ना, उसमें क्या है, केवल नर नर तितली, नर मछली, नर मक्खी है, उसका दूसरा रूप नहीं होता इसलिए ऐसे बनाते हैं। और दूसरा क्या है, और भी है क्या ऐसा, स्त्री पुल्लिंग का फुआ, स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी मादा डालता, मादा मच्छर, मादा मच्छर भेड़िया, मादा चीता, ऐसा हम लोग स्त्रीलिंग बना लेते हैं। देख लो उदाहरण क्या है, अगर जो है बाद में मास्टर क्लास में करोगी। नेक्स्ट वन, एक अनेक वचन, वचन में कितना है, भेद दो भाग, कौन कौन सा, एक वचन बहुवचन, एक का दूसरा रूप क्या है, एक क्या है, एक वचन, हाँ एक बोले तो किसी एक के बारे में, किसी एक विषय के बारे में या किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या है वो एक वचन। वही दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बोले तो क्या है, बहुवचन। ये सब तुम लोगों को लास्ट ईयर हो चुका है, आसान है समझने के लिए, है ना, हाँ एक वचन बहुवचन। हाँ तो बस हम लोगों को एक बार याद करने के लिए मुझे यहाँ काम करना है। से देख लो कैसे करेंगे, पौधा पौधे, रुपया रुपये, हाँ बातें बातें, हाँ सूरज एक है, चंदा एक है, तारे अनेक है, तो ये सब क्या है, इससे देख हम लोग पता चलता है क्या कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। चांद एक एक ही है ना, चांद बहुत सारे चांद होते हैं क्या, आकाश में नहीं है ना, एक ही चांद है ना, तो ये क्या है, एक वचन। सूरज कितना है आकाश में, कितने सूरज दिखते हैं तुम लोगों को, एक ही सूरज, तो वो भी क्या है, एक वचन। तारे कितने दिखते हैं, स्टार्स कितने दिखते हैं, बहुत सारे, तो क्या है, तारे, तारा नहीं बोलते, तारे बहुवचन है, समझ में आ रहा है, एक वचन और बहुवचन में फर्क लोगों को मालूम होगा, ठीक है। देखो वहां कितने ही उदाहरण दिए गए हैं, उसके बाद देखिए हाँ, वो भी या ए व वे, और तुम लोग पढ़ने का हाँ, या क्या है, सीधी से पढ़ना या, और सीधी से पढ़ना ए, ठीक है हाँ, या ये लड़का है, ये लड़का है, और ये लड़के हैं, बहुवचन क्या है, ये बहुवचन, ये लड़के हैं, बहुवचन क्या है, ये लड़के हैं।
देखो यहाँ हा में है लड़का है, क्या ये लड़के हैं, है डॉट आएगा, के लिए डॉट आएगा। उसी तरह था लोगों के बारे में बहुवचन में आया तो उसमें क्या है आदमी है, आदमी था, हाँ वो सभी आएगा, आदमी थे बहुवचन में आएगा। देख लो वहाँ एक वचन बहुवचन, हाँ मेरा मेरे उनका उनके, ये मेरा किताब है, ये मेरे किताबें हैं, समझ में आ रहे हैं ना, उनका किताब है, ये उनके किताबें हैं, बड़ों को बोला है तो हाँ ऐसा। भाई बहुवचन बनाना सीखे। पंखा चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, पंखा एक ही है, बहुत सारे पंखा है तो पंखे चल रहे हैं, इन्हें पूरी तुम लोगों को ह के साथ ही डॉट डालना है। मैं हिंदी भाषा जानती हूँ, मैं अनेक भाषाएं जानता हूँ, ऐसा बहुत सारे हैं, हम लोग अलग अलग से इसे समझ सकते हैं, बहुत सारे हैं तो उसके साथ हाँ ये चंद्र बिंदु आता है, हाँ वो भी देख लो तुम लोग, भाषा भाषा है, उसी तरह वहाँ आपने बहुवचन और एक वचन कैसे बना सकते थे, उदाहरण दिया गया है। कुछ शब्द ऐसे भी हो एकवचन बहुवचन समान रहते हैं, जैसे कुछ शब्द क्या है उसको हम लोग उसका रूप बदल नहीं सकते, एकवचन में बहुवचन दोनों रूप में वो एक ही तरह रहेंगे, जैसे कि मैदान, वहाँ कितना मैदान है, फूल कितना फूल है, घर, घर कभी घरे या घरों नहीं बना सकते, बादल एक ऐसा ही, हाथ पलंग झाड़ू ऐसा जैसा कि जैसे उसमें रूप बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है हाँ। परंतु वाक्य में प्रयोग करते हुए हम उनका बहुवचन रूप बना सकते हैं, वाक्य में उपयोग करते वक्त हम लोग फूल फूल जैसे फूलों को ऐसा बना सकते बदल सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा रूप नहीं होता, ठीक है। इतना आज तुम लोग को पढ़ लो, उसका अभ्यास भी कर लो, और वीडियो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।